देश की सियासत में योगी आदित्यनाथ इस वक्त वो नाम है जिनकी डिमांड न सिर्फ यूपी में है बल्कि पूरे देश भर में है। बीजेपी में अगर सेकेंड लाइन में पीएम मोदी के बाद अगर कोई नेता है जो उनके इतनी भीड़ को संबोधित कर सके और मास लीडर के तौर पर जिनकी पहचान है तो वह यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ है। इस वक्त योगी न सिर्फ बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट है बल्कि देश के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण एसेट है। इसीलिए तो गृह विभाग सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को और चाक चौबंद करते हुए उनके सुरक्षा के इतर 27 करोड़ के अतिरिक्त खर्च कर किसी भी केमिकल और रेडिएशन हमले से बचाने के लिए डिटेक्टर की खरीदारी कर रहा है। इस प्रकार की सुरक्षा देश के कई महत्वपूर्ण राजनेताओं के पास ही है। इसके लिए गृह विभाग की तरफ से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक 15,75,69,000 रुपए में 4 तरह के अलग अलग उपकरण खरीदे जाएंगे। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण केमिकल और रेडिएशन डिटेक्टर उपकरण है। 1,20,00,000 रुपए की लागत से 4 यूनिट खरीदी जाएगी या किसी भी आपत्तिजनक केमिकल या रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकेगा। इसके अलावा 5 एंटी एग्जिट आइडेंटिटी डिटेक्शन सिस्टम खरीदा जाएगा या मुख्यमंत्री आवास और गोरखनाथ मंदिर में लगाया जाएगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर काम करता है जो मुख्यमंत्री आवास आने वाले हर एक व्यक्ति की सभी जानकारी अपने सिस्टम में रखेगा। इसकी खरीद में करीब 7 करोड़ रुपए आएगा। वहीं करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से 5 सिक्योर मीटिंग गार्ड स्कैनर और करीब 21,00,000 रुपए की कीमत के 5 स्मोक सिस्टम खरीदे जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को देखते हुए 11.5 करोड़ की लागत से 4 अन्य उपकरणों को खरीदा जाएगा। इसमें 400 हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और 400 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और 400 ही पोर्टेबल डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर खरीदे जाएंगे। तो आपको बताते हैं कि अचानक सीएम योगी की सुरक्षा में इतनी चाक चौबंद गृह विभाग क्यों दिखा रहा है। बाद 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ उस वक्त मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से ही राज्य में आतंकवादी संगठन ने यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी। नतीजतन यूपी एसटीएफ ने आतंकियों और स्लीपर मॉड्यूल्स की धरपकड़ के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी। वर्ष 2023 तक यूपी के अलग अलग जिलों से आतंकी संगठनों के 28 स्लीपर मॉड्यूल और 100 से अधिक देश विरोधी संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से आतंकी संगठन सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। इनसे मोर्चा लेने के लिए यूपी की सुरक्षा एजेंसी सतर्क है। यही कारण है कि करोड़ों के लागत के हाईटेक उपकरणों की खरीदारी की जा रही है। गृह विभाग सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिए 4 ड्रोन खरीद रहे हैं जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2,05,00,000 रुपए है। यह ड्रोन आसमान और जमीन पर हर एक चीज पर नजर रखेगा। यह आधुनिक ड्रोन छोटी से छोटी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ उसे ऑपरेट करने वालों को अलर्ट भी करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में करीब 450 सुरक्षा जवान तैनात हैं। इनमें तकरीबन 8 एनर्जी कोबरा कमांडो हर वक्त सीएम योगी को सुरक्षा घेरे में रखते हैं। इन कमांडो के लिए गृह विभाग उपकरणों और जैकेट्स की खरीद की गई है। इसमें 40 बुलेट प्रूफ जैकेट, 8 बुलेट प्रूफ हेलमेट, 10 बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस, पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड और 10 होल्स्टर चेस्ट की खरीदारी की गई है। इसमें करीब 1,34,00,000 रुपए का खर्च आया है। अन्य वीवीआईपी की सुरक्षा में लगे कमांडो के लिए 19 बुलेट प्रूफ जैकेट की भी खरीदारी की गई है। इसके अलावा इन कोबरा कमांडो के लिए 4.18 करोड़ रुपए की कीमत के 100 CZ सब मशीन गन स्कॉर्पियो की खरीदारी की गई है। यह मशीन गन आधुनिक है और 1 मिनट में 1100 राउंड फायर कर सकती है। सीएम योगी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को स्वस्थ रखने के लिए आधुनिक जिम भी तैयार किया गया है। इस पूरे चाक चौबंद को देखने के बाद एक चीज जो निकल कर सामने आती है कि सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर देश की जो एजेंसियां हैं वो कितनी अलर्ट हैं और कैसे अपने राजनेताओं पर नजर बनाए रखी है, कैसे पूरी एक नेटवर्किंग बनाई गई है सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम व यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।